काम कर ले थोड़ा सा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद। रेस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग टू ऑल। सम्माननीय महिला गणी और पुरुष गण को मैं नमन करता हूँ। Today I am very happy to indeed to participate in this function. आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करके। I introduce myself that I am adopted son of Dr. B.R. Ambedkar. मैं अपना परिचय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दत्तक पुत्र के रूप में देता हूँ। जिन्होंने मुझे शिक्षा दी और मैं अपने हाई कोर्ट जज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अडॉप्टेड फादर डॉक्टर अम्बेडकर हैड एडवाइस मी दैट इंडियन नेशनल वेलफेयर इज मोर देन माय वेलफेयर। मेरे दत्तक पिता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया था कि भारत का जो वेलफेयर है वो मेरे अपने फायदे से ज्यादा जरूरी है। Therefore, in order to protect our nation, there is a corruption prevailing in the judiciary. Therefore, I level a complaint against 14 judges, corrupt judges. इसी कारण से मैंने जो करप्शन हाईकोर्ट में जुडिशरी में चल रहा था उसके खिलाफ 20 जजेस के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट 20 करप्ट जजेस, 20 करप्ट जजेस को बाहर लाने के लिए द सुप्रीम कोर्ट 7 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जज थे, हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द बेंच एंड इनिशिएटेड इलीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मी एंड ऑपरेटेड और मुझे वहां पे बुलाया और अपनी जो सुप्रीम कोर्ट पावर थी उसका गलत इस्तेमाल करते हुए मुझे दिल्ली के जेल में। सुप्रीम कोर्ट हैज नो पावर टू इंटरफेयर विद माय जुडिशियल वर्क एज पर डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। संविधान के हिसाब से, बाबा साहब के संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं बनता है कि मेरे क्षेत्र अधिकार में आकर उसमें इंटरफेयर करें मेरे कार्य में। सो आई अडॉप्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ and operate my judicial power, administrative power against the 7 Supreme Court judges and punish them under SC/ST Atrocities Act. इसीलिए जस्टिस कर्नन ने 7 जजेस के बेंच के खिलाफ एक ऑर्डर पास किया SC/ST Atrocities Act में। सुप्रीम कोर्ट 7 जजेस asked me to tender apology. सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजेस थे उन्होंने जस्टिस कर्नन से कहा माफी मांगने के लिए। Certainly, I refuse to send an apology because the harassment issue relating to my 30 close people, I ought to protect them as per my adopted father, Dr. Ambedkar advice. और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के बाद उस पर जस्टिस करने ने बिल्कुल मना कर दिया माफी मांगने से, क्योंकि जानते थे इतने जुड़े करोड़ों लोग भी उसके हकदार थे। But my adopted father advised me accordingly protected our Indian nation. मेरे दत्तक पिता ने मुझे बताया था कि इंडियन नेशन का जो वेलफेयर है वो ही सर्वोपरि है। One of the our adopted brother, former Chief Justice, former Chief Minister of Arunachal Pradesh, to belong to a tribal community, namely Kalika Paul. He had committed suicide since the Supreme Court 2 judges has received a 90 crores corruption and now and refused to pass judicial order in his favor. Therefore, he was forcibly committed suicide. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री
कोर्ट ने जानबूझकर उस पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया, उसे बाद में उसको विड्रॉ करना पड़ा। The upper caste cadres of the Supreme Court and other courts, they have never given any respect to Dalit people. Supreme Court में upper caste के जज हैं, वो हमारे दलित जजों की कभी respect नहीं करते, वो हमारे लोगों की respect करते हैं। They are thinking we are mentally poor. They are mentally poor. तो मानसिक रूप से जो है, वो गरीब हैं, इसलिए उनका respect जो है, नहीं करते हम। I proved we are not mentally poor. We are worse class. मैंने आपको ये बताया कि हम जो है मानसिक रूप से कमजोर नहीं है, हम लोग बहुत मजबूत हैं और हम इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। आई प्रूव्ड दैट दलित जजेस आर ब्रिलियंट दैन अदर जजेस। मैंने ये प्रमाण किया कि जो दलित जज है और सुप्रीम कोर्ट के जज है वो बहुत ब्रिलियंट और बहुत ही भौतिक। माई जुडिशियल ऑर्डर वेर लैंडमार्क जजमेंट यार, मैं जुडिशियल ऑर्डर से बहुत लैंडमार्क जजमेंट आपका जो जुडिशियल जजमेंट था जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जजमेंट पास किया था ऐसे हाई कोर्ट, वो एक लैंडमार्क जजमेंट से आज की डेट में। आई प्रूव्ड दैट दैट द अमेरिकन पीपल मेंटली स्ट्रांग फिजिकली स्ट्रांग। मैंने ये प्रमाण किया कि जो हमारा दलित पीपल है, दलित जो लोग हैं वो बहुत ही मेंटली मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत हैं। दलित पीपल नेवर नो आर मेरे साइड। हमारे जो लोग हैं वो कमजोर नहीं महसूस करते हैं। आवर बिलोव दैट अंबेडकर एडवाइज टू मेंटेन सेल्फ रेस्पेक्ट इन जनरल लाइफ। बाबा साहब ने ये बताया, वी हैव टू रूल आवर कंट्री वेरी सून।
आज मनाते हैं फादर डॉक्टर अंबेडकर।